हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। गुड मॉर्निंग सभी को। जैसा कि जानते हैं कि मैं लगातार आप लोग के लिए योगासन से संबंधित वीडियो लेके आ रहा हूं, जिसमें हम लोग का टारगेट है 30 दिन में कैसे पेट की चर्बी को दूर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम एक्सरसाइज। कल चूंकि हम नहीं आ सके, कल हम लोग का लाइट का प्रॉब्लम था जिसके कारण हम नहीं आ पाए। तो चलिए हम लोग आज सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हम लोग अपने आप को फिट रखने के लिए कौन कौन सा योगा करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बताए थे, सबसे पहले जो हमेशा मैं वही चीज बता रहा हूँ, और कैसे जंप एक्सरसाइज कैसे हम करेंगे बेहतर, वो हम फील्ड में जा करके आप लोग को डायरेक्ट लाइव में भी आकर दिखाएंगे, और कभी कभी आप लोग को ऑफ मतलब क्या बोलते हैं रिकॉर्ड करके आप लोग को बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मूर्धासन में आराम से 2 मिनट तक सो जाएं, मतलब सो नहीं जाना है। उसके बाद धीरे धीरे आप उठ करके और ध्यान करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जैसा कि बताए थे कि सबसे पहले उसके बाद हमारा जो धीरे धीरे इस पैर को हम लोग ले जाएंगे इधर, उसका धीरे धीरे फिर धीरे धीरे उठ करके अब फिर ध्यान करना है। और ध्यान रखिएगा कि कम से कम 2-2 मिनट तो करना ही करना है। लगभग 15-20 मिनट अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका पेट का चर्बी धीरे धीरे, देखिए मैंने पहले इधर उठा करके नीचे नहीं ले जा पाता था, लेकिन देखिए 6 दिन के में पेट यानी हमारा जो पेट है धीरे धीरे बहुत घटा भी है। आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन हम बता रहे हैं ना कि ऐसा हुआ है, और मुझे भी काफी एनर्जेटिक महसूस होता है अंदर से। तो आप लोग भी करिएगा तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, हम दावा के साथ आपको बोलते हैं आपको फायदा होगा। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको बताए थे कि ये आपको सिटअप करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कम से कम 10 बार तो करना ही करना है, ठीक है। 10 बार करना ही करना, इसलिए
क्योंकि इससे आप अच्छे से फिट हो पाएंगे। और शर्माने की कोई बात नहीं, कहीं भी कर सकते हैं, बस अच्छे जगह पे करें। अच्छे जगह करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो जो हम बताते हैं जरूर से जरूर करें। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करके, और उसके बाद ये वाला पार्ट आपको सटाना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप टच करेंगे, जिसे देख पा रहे होंगे, दिख नहीं रहा, तो ये देखिए, ये वाला आपको टच करना चाहिए, और उसके बाद आप सटाइए। अभी इस तरह से तो नहीं सटता है, लेकिन धीरे धीरे आपको 30 दिन में आपको ये दिखा पाएंगे कि ये सटा भी देते हैं, ठीक है। ये सटा भी सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सटा भी सकते हैं। और धीरे धीरे देखिएगा कितना आपका पेट का, उसके बाद ये वाला भुजा आपका बन जाएगा जब आप करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। यानी ये वाला करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा ये कर लें, ठीक है, ये वाला करेंगे, ये करने से क्या होगा, इधर का सब अच्छा पिंपल जितना भी होगा सब खत्म हो जाएगा। तो करना है रेगुलर, फिर बोल रहे हैं मेरे साथ करना है, देखिए मेरा पिंपल भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है कि नहीं। तो उसके बाद इस पर बैठ जाइएगा, जैसे कि हम बैठ गए, इससे भी ये आपका मजबूत हो जाता है। तो इस पर भी आप कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप बैठे रहिए थोड़ा देर तक, इससे इसका ये जो है मजबूत बन जाता है, स्ट्रांग बन जाता है, आपका स्ट्रांग बनता है, तो आप जब भी बैठेंगे तो आपको दर्द नहीं करेगा, अदरवाइज आपको दर्द भी कर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये डिप्स कर सकते हैं, जो कि हम उसके बाद फिर आप अपनी मुद्रा में आकर के फिर ध्यान कर सकते हैं। और ये जैसे करने के बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शीर्षासन, आसनों का राजा जरूर से जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। शरीर के हर अंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आंख में प्रॉब्लम अगर हो, आंख का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। बाल में अगर प्रॉब्लम हो तो बाल का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अगर आपका पिंपल वाला प्रॉब्लम हो तो पिंपल वाला खत्म हो जाएगा। यानी इससे आपको फायदा ही फायदा है कि नहीं। और इससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी आप बनते हैं। तो सबसे पहले कैसे करना है, तो सबसे पहले आप अच्छा से यहाँ पे बिस्तर में, या आप तौलिया रख करके, गमछा रख करके, कुछ भी करके, और उसके बाद या दीवार अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना है, दीवार के सहारे करना है, लेकिन करना जरूर है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले कम से कम 2 मिनट ये करना है। ये करने के बाद आपके अंदर में एक अलग ही तरह के ऊर्जा का संचार होगा। ये करने के बाद कम से कम 2 मिनट फिर से ध्यान कीजिएगा, और सब आपके अंदर का जितना भी चीज है
सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद है ये एक्सरसाइज आप तो फायदा पहुंचाएगा। आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का एक संकल्प लेते हैं और खुश रहते हैं, मिजाज में रहते हैं। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे विराम देते हैं आज के एक्सरसाइज। फिर मिलेंगे रेगुलर इसी टाइम, कुछ भी टाइम, लेकिन आपको करना है सुबह में 4:30 से 5:30 के बीच, या 5:30 से 6:30 के बीच, या आप 7 बजे भी कर सकते हैं, 8 बजे भी कर सकते, लेकिन आपको भूखे पेट में ये करना है, खाना खा के ये नहीं करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और हमारे चैनल विक्रम ट्यूटोरियल बीडी फॉर ऑल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम हर तरह का वीडियो लाते हैं। और बहुत ही जल्द आ रहा है हमारा खतरनाक मोटिवेशनल शायरी, जरूर देखिएगा संडे को जो भी टाइम।